बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बासले ग्राम स्थित वैशिष्टम विद्यालय द्वारा दिव्यांग क्षेत्र में नई शिक्षा नीति प्रणाली को अवगत कराने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सतत पूर्णाभास शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष शिक्षा का परिचय विषय पर चर्चा परिचर्चा की गई। शिविर के समापन पर वक्त देते हुए दृष्टि बाधित प्रवक्ता संदीप ने ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए हम प्रोजेक्ट या स्पर्श वाले उपकरणों का प्रयोग करते हुए सिखा सकते हैं, तथा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का डिजिटल माध्यम भी है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, वह डिजिटल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जयपुर से आए सहायक प्रवक्ता विकास ने दिव्यांग बच्चों के लिए कक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर चर्चा की, तथा शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलेशन विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रवक्ता डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने शिक्षा में अनुकूलन और समावेशन पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विशेष बच्चों के लिए प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम में अनुकूलन समावेश होना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी को एक ही छत के नीचे पढ़ना चाहिए। शिक्षा की गतिविधि लचीली होनी चाहिए। बच्चों के मनोकूलन पाठ्यक्रम को जो सरल और सहज ग्राह होना चाहिए, जो दिव्यांग बच्चों को असहज महसूस ना हो, पाठ्यक्रम में रुचि के अनुरूप हो, तथा सामान्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चे भी उसे ग्रहण कर सके। शिविर की संयोजिका का विशिष्टम की प्रधानाचार्य मीनाक्षी अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है जी। यहाँ जो कैंप लगा है, ये क्या उद्देश्य था और आपने क्या इसमें भूमिका अदा की? ये जो आज का जो हमारा जो कार्यक्रम था, जो है ये 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम था, जो कि RCI के से हमने अनुमोदन लेकर के यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों से, कई राज्यों से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट सम्मिलित हुए, और यहाँ जो पार्टिसिपेंट सम्मिलित हुए वह सभी जो है ट्रेंड टीचर थे, और जो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, जो है अपना योगदान दे रहे हैं। आज उन्हीं सभी टीचर्स को जो है अपने आप को जो है फिर से एक बार रिफ्रेश करने का, अपने आप को फिर से कार्य के लिए तैयार करने का, उनको अपडेट करने का यहाँ पर अवसर मिला है। इस नेशनल पॉलिसी 2020 के माध्यम से हमने उन्हें जो है जो भी जो नए परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले हैं या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन होंगे, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई। जो है ये RCI कैंप अब लगा है, इसका क्या तात्पर्य है और आपने लगा करके कैसे क्या सफलता मिली? CRE हमने RCI से अप्रूवल मिली है, हमें CRE की 3 दिवसीय CRE की। इसका मुख्य उद्देश्य था जो NEEP 2020 है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इंक्लूजन एजुकेशन को कैसे लोगों के बीच लाया जा सके, और जो हमारे शिक्षक टीचर हैं उनको कैसे अवेयर किया जा सके। जो हमने कल नहीं पढ़ा, आज जो नई चीज़ें आई है NEEP के थ्रू या ऐसे भी डिजिटल इंडिया में जो भी नई चीज़ें आए, उनके साथ टीचरों को कैसे कदम मिला के चलना सीखे टीचर, उनके प्रति अवेयर हो, और जो नई नई चीज़ें आई है, नई पॉलिसी आई है समावेशिक की, इंक्लूजन की, उन इंक्लूजन एजुकेशन को हम समाज की मुख्य धारा से समाज के लोगों में कैसे अवेयर कर सके, इनके लिए इसके अवेयरनेस के लिए ये CRE ऑर्गेनाइज की गई थी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT इमरजेंसी ICU PICU NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए, हेलमेट पहन। वहाँ डीले की हालत पूरी है तो यहाँ जीले नोज व्हाट्स जरूरी। TVS Jupiter विद स्मार्ट कनेक्ट वॉइस असिस्ट नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड, Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library,
and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.